जानते नहीं, हम लोग ऋषि कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन चारों ऋषि कुमार हैं। भगवान की आज्ञा है कभी भी रोक टोक जा सकते हैं, कथा कोई भी साउंड संभाले, आप कोई भी हो आप नहीं जा सकते, हमारे अनुमति के बिना भगवान विश्राम में है। जैसा कि अक्सर होता है, विवाद होता है, साहब तो सरल होते हैं, सेवक और कठिन हो जाते हैं, और उसके बाद उनके भजन में जब विघ्न होता है, और उसके बाद ही जो उन्होंने कहते जाओ तुम लोग जो राघोर राक्षस बनो, तुमने हमको रोका है। हमारे कुछ कथाकार लोग बोलते हैं, साधक कथाकार लोग, कि जितने पुराने संत रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, जो ही काम करते हैं, दो दुकानें उनका चलती, आशीर्वाद सेंटर या तो श्राप सेंटर। लेकिन एक चीज देखें, श्राप तो है, पूरे पुराणों की कथाओं की सब देख लें, जिनको विप्रों ने श्राप दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, संतों ने श्राप दिया, उनका मोचन करने के लिए जो कभी दुर्लभ भगवान का दर्शन था, कभी दर्शन नहीं होता, वो प्रभु ने उस श्राप से भी मोचन किया, स्वीकार किया। और जब श्राप देते हैं तब उसके बाद जैसे ही उनका अंदर का जो अहंकार जाता है, तो भगवान के यहां संदेश जाता है और भगवान के दर्शन होते हैं। तो उसके बाद कहते हैं, अच्छा ठीक है, विरोधी भक्ति करोगे तो तीन जन्म, और तुम लोग बड़े विपुल वैभव वाले राक्षस हो गए। इसके बाद उसके श्राप से फिर भगवान को करुणा लगती है कि ये तो तीन जन्म हमारे, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी दोष है कि मैं अपने नजदीकी रहने वालों को सुधार नहीं पाया। तो भगवान की करुणा की चार जन्म अवतार लेते हैं, वो तीनों जन्म कहते हैं हिड्याक छिड़िया कश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। लेकिन भगवान हिण्याक्ष को, जो हिण्याकश्यप के लिए नरसिंह अवतार, आप लोग मंदिर में राम जी को देखेंगे, दर्शन करेंगे, शुकर अवतार, रामा अवतार और कृष्णा अवतार, चार अवतार लेते हैं मेरे प्रभु। तो एक तो एक अवतार की कथा आती है, दूसरा आती है जो हमारे ओरछा से संबंधित है, तीसरी जो है दूसरा आती है नारद मुह का, ये भी अभी महाराज जी ने थोड़ा प्रसंग दिया, परम स्वतंत्र सिर पर ना कोई, कि बोले भी ऐसे महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, कि जिसको जैसे भगवान रखते हैं बड़े से बड़े ज्ञानी भी। इसीलिए जब भी हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते, जब थोड़े से साधना का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, धन का हो, रूप का हो, तो जाते देर नहीं लगती। तो नारद जी के अभिमान जो उनको श्राप देते हैं, कहते हैं ये उपनिषदों में प्रसंग आता है कि जीव भगवान से कहता है कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, आप संसार की सीमाओं से बाहर हैं, लेकिन हम बद्ध जीव हैं, विषयी जीव हैं, संसार की सारी सीमाओं में बंधे हैं, हम कैसे आचरण करें। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारा सखा बन के, जीव बन करके, मैं मित्र बन करके आता हूं और तुम्हें आदर्श देता हूं, आचरण देता हूं। तो भगवान उस श्राप को स्वीकार करते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जितनी भी मर्यादाएं हो सकती है, एक व्यक्ति के जितनी पीड़ा कष्ट हो सकते हैं, हम सभी के अनंत गुना, उसके बाद भी हमें संसार में कैसा विचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो भगवान आदर्श देते हैं। भानु प्रताप की कथा भी आप लोग सुनते हैं कि भानु प्रताप का जो वाह्य रूप है बहुत ही धार्मिक है,
लेकिन अंदर से जब उससे जब कपट मुनि मिलता है, हमारे संत लोग कहते हैं कि काल केतु जो सत्य केतु का लड़का, अगर काल के बस में रात्रि के निश्चर, जो रात्रिचर निश्चर के पीछे चलेगा, प्रकाश के पीछे, तो उसकी दुर्गति भानु प्रताप की ही होगी। तो बहुत से हमारे अच्छे अच्छे साधक, बड़े अच्छे अच्छे उद्योगपति, पूंजीपति, ऑफिसर, जो काल केतु निशाचर के चक्कर में पड़ते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, सत्य केतु के रहते हुए भी, राम जी के संतान होते हुए भी, जब उनसे पूछता है कपट मुनि की क्या चाहिए, तो पहले तो कहते कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मांगते तो कामनाओं की इतनी ढेर कि जरा अमरण रहित तनु समर जिते जन कोई, कि मैं वृद्धावस्था से दूर रहूं, सौ कल्प तक मेरा राज्य हो। हमारे यहां कहते सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति करने वालों के यहां राम जी पैदा हुए, पुत्र पुत्रिष्ट काम यज्ञ कराते हैं विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी। ये नहीं कहते दशरथ जी से कि तुम तो निष्काम हो जाओ, कहते नहीं नहीं, धरो धीर हो सुचारी, चार पुत्र होंगे वेद विदित, चारों पुत्र होंगे देखो। और लेकिन जो निष्काम भक्ति करने वाला जो भानु प्रताप है, वो रावण के रूप में श्राप पाता है। इनकी कथा है, मुख्य कथा हमारे ओरछा से हम लोग जो लेते हैं, जो हम लोग को भगवान बुद्धि देते हैं, जो कि ये मनु शत्रुपा जी के साधना से है। मनु शत्रुपा जी के देखिए, उनके उत्तान पाद ध्रुव से लेते हुए उनकी श्रेणी कहा जाता है कि मनु ने कि बहुत से अच्छे अच्छे संतानें थी, लेकिन मनुस्मृति की उन्होंने संरचना की, तो उनको लगा कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मैंने कानून बनाए हैं, जो विधान बनाए हैं, जो रचना की है, इसका कोई पालन करके तो दिखाए। तो उसका पालन कौन कर सकता था, सामान्य किसी सांसारिक व्यक्ति के बस की नहीं थी। तो उन्होंने फिर भगवान को ही अवतार लेने के लिए साधना की। और एक बहुत अच्छा है कि दुख संसार में एक सुख भी देता है और एक दुख तो कष्ट भी देता है। जब मनु जी वृद्ध होते हैं, तो उनको कष्ट होता है। कौन सा कष्ट? हो न विषय राग भवन बसत भाचोत पन हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगत बिनु। ये दुख व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। अगर व्यक्ति को लगे कि मेरे पुत्र की शादी नहीं हुई, संतान की शादी नहीं हुई, धन नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, जन्म व्यर्थ हो गया, तो वो तो अधोगति को जाएगा। लेकिन जिसको ये दुख लगे कि मैं इतने हजारों साल सुख भोगा लेकिन विषयों से विरक्ति नहीं हो रही है, कि भगवान के भक्ति के बिना मेरा जीवन चला गया, तो जंगल में जाते हैं, बहुत कठिन साधना करते हैं। बरबस राज सुतही तब दीना, हमारे जो प्रसंग कहते हैं कि पहले जबरदस्ती पुत्र लेने के लिए तैयार नहीं थे धर्म की शुरू में, अब तो पुत्र पहले कहता पिताजी कब छोड़े, उसी श्रेणी चलते बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। राम राजा की आरती हो रही है, आप लोग चाहें हम लोग तो भगवान को सुनाएंगे, चाहें तो आप लोग आरती दर्शन करके अपने इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जब उन्होंने घोर साधना किया,
घोर साधना के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं, कहते तरह तरह की साधना किया। तो भगवान तरह तरह का प्रलोभन उनको देते हैं। विधि हरि हर तप देखे अपारा, बनो सनी कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, निर्गुण से सगुण बनने की परंपरा, जो मांगो बर बहु भांत लभाए लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। भगवान उनको अनेक रूप विधि हरि हर तप देखिए पर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे रूपों में दिखाते हैं, अंतिम निर्गुण बनते हैं। पूछते हैं कि क्या चाहते हो, तो जो मांगते हैं मनुष्य रूपा जी कि हमें वही चाहिए जिस स्वरूप भगवान के मन में बसता है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिसके लिए भुसुंडी जी शंकर जी सारे लोग तपस्या करते हैं। तो कहते कि प्रभु कहते कि भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, जैसे गाय का दूध बच्चे के लिए उतर आता है बछड़े के लिए, वैसे मेरे प्रभु हैं। और विश्वास प्रभु हमारे प्रकट हो जाते हैं इस कण कण में बचने वाले, और जब उनसे कहते कि आप मेरे पुत्र होइए, मैं पुत्र के रूप में चाहता हूं, तो भगवान कहते ठीक है। मनु शत्रुपा मनु जी जो है कहते भले लोग मुझे मूड कहे लेकिन पुत्र भाव से ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन शत्रुपा जी जो है अपने विवेक को नहीं छोड़ती। महाराज जी को दर्शन अगर कोई मैं देखता हूं, ये तो आप दर्शन करना होगा तो चले जाइए, किसी को प्रसाद भेजवा दो, अभी भीड़ होगी वैसे दर्शन कर लीजिए, फिर बाद में मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा, अभी वैसे दर्शन करके आ जाए। आप लोग को कराएंगे 9 बजे तक। हाँ
हेलो आदि शक्ति जग रूप जाया शोभा बतारे मोर ये बाला तेरे मोर ये बाला बंदम बाल रूप सोईरा भगवान कहते हैं कि मैं आऊंगा लेकिन मेरे साथ आदि शक्ति रहेंगी जगदम्बा सीता जी के रूप में, जिससे सारी सृष्टि का उत्पत्ति हुई है। कहें ठीक है, लेकिन बाल रूप क्यों? हमारे रामलला जी यहां पर विराजमान है रामलला जी के रूप में। बाल रूप इसीलिए कि भक्ति की तीन कैटेगरी होती है। एक तो होता है बड़ों से जैसे करते हैं माता पिता के रूप में, तो उनसे याचना करते हैं, मित्र के रूप में कामना करते हैं, और जब बच्चे के रूप में जब हम मांगते हैं तो कुछ नहीं मांगते, केवल देना देना। और जैसे ही केवल देना देना होता है, यहां पर मां गणेश कुंवरी जी ने भगवान को बाल रूप में ही तो लाई थी, तो उस समय व्यक्ति जब कुछ नहीं चाहता तो भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। जा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साहो का संसार। ओरछा की कथा पद्म पुराण से ली जाती है, उसमें उन्होंने दिया है कि मनु शत्रुपा जी ने तीन जन्म का वरदान मांगा था। पुत्र त्वं भज देवेश त्रीणि जन्मानि चुता त्वां पुत्र लाल सत्येन भजामि पुरुष। कि तीन जन्म तक मैं आपको पुत्र भाव से भजना चाहता हूं। राम जी ने कहा ठीक है, लेकिन जब जब धर्म की रक्षा का अवसर आएगा, कोई कारण आएगा, तो मैं अवतार लूंगा। तो पद्म पुराण में जो दिया है कि प्रथम जन्म राजा दशरथ कौशल्या, दूसरा जन्म देवकी वासुदेव, तीसरे जन्म के दिया है कि कली काल के 1000 वर्ष बीतने के बाद हम संबल ग्रामक नाम पे हरिगुप्त ब्राह्मण के यहां जन्मेंगे, ऐसा। लेकिन हम लोग उस स्थान को ओरछा मानते हैं, कारण कि जिस दिन हमारे ओरछा राम जी आए हैं, देखेंगे आप लोग मंदिर के आगे लिखा है संपत 1631, और उसी दिन रामचरितमानस का लेखन शुरू हुआ है। रामचरितमानस में आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है संपत 1631 का प्रारंभ था, त्रेता युग के बाद राम जन्म के सारे योग कलयुग में थे। और उसी दिन ओरछा में मेरे राम जी आए हैं। और एक और है, भगवान का वांग्मय अवतार रामचरितमानस और धर्म अवतार ओरछा, मानस में आया भी है। संबत 16 है
सोई कीर्ति सा।